कर्नाटक चुनाव की गहमा गहमी तो चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल ही अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विपक्षी एकता जो है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ अभी ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में आप देख रहे हैं JDS, कांग्रेस, BJP तीन दल हैं वो आपस में लड़ते दिखाई दे, बड़े दलों की अगर बात करें तो। लेकिन जब फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कांग्रेस और BJP आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी भी कुछ जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है कुछ जगहों पर। लेकिन जब बात होगी 2024 की तो यहाँ पर सबकी अग्नि परीक्षा है। यहाँ पर ममता बनर्जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, यहाँ बहुजन समाज पार्टी, यहाँ नीतीश कुमार, यहाँ पर TRS, मतलब पूरे देश में जब चुनाव होगा तो इन पार्टियों को अपनी ताकत मजबूत करनी होगी। विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी दावेदारी है, लिहाजा यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाती है, राहुल गांधी को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को लेकर एक मंच भी तैयार हो सकता है। इसको लेकर हालांकि इन चुनाव से पहले ही कवायद तेज हो गई है, तमाम राजनीतिक दल इसकी कोशिशों में जुटे हुए हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है, इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मसौदा क्या होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किन शर्तों के ऊपर यह मंच तैयार होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये संयुक्त मोर्चा बनाने की कवायद तेज है। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में विपक्षी दलों का जमावड़ा भी लग सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे विपक्ष एकजुट होगा, शर्तें क्या होंगी। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अब तक अलग अलग दलों के कई नेताओं से दोनों मुलाकात कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल से हुई थी जब दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। चर्चा है कि पिछले विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान एक फॉर्मूले का भी जिक्र किया जा रहा है, इसी फॉर्मूले के आधार पर दलों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, कैसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, किन मुद्दों पर ये दल एक साथ आ सकते हैं आने वाले दिनों में, आइए जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद 19 प्रमुख विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक का मतलब है कि तमाम समान विचारधारा के बीजेपी के विरोधी दल जो हैं वो एक मंच पर आएंगे। सभी दलों के प्रमुख से संपर्क साधने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुद जुटे हुए हैं। यहां तक कि आपको याद होगा कि वो केजरीवाल जिनसे परहेज करते रहे उनको भी फोन कर चुके हैं, और हालांकि ये अलग संदर्भ था, केजरीवाल ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। इसी तरह ममता बनर्जी भी बहुत पहुंच से दूर नहीं है कांग्रेस के नेताओं से। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ लामबंदी करने में जुटी हुई हैं। इसी रणनीति के तहत बिहार के CM नीतीश कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी और UP के पूर्व CM अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 पार्टियों के शीर्ष विपक्षी नेता बैठक करने जा रहे हैं। अगले महीने ये बैठक होने वाली है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA, आपने बहुत सुना, NDA UPA। NDA की स्थिति में अब आप देख लीजिए BJP कांग्रेस हो रहा है, क्योंकि NDA में BJP सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। ताकत का मतलब है अपने दम पर सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत BJP अकेले ले आई, तो बाकी के जो दल हैं वो बहुत मायने नहीं रखते उनका। हालांकि इन दलों को साथ में रखा गया, लेकिन सभी जानते हैं कि जब मिलीजुली सरकार होती है तो जो बाकी के दल हैं उनकी अपनी ताकत होती है। इनमें से कई दल अब इस बात को जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार भी अब ये देख रहे हैं कि BJP की अपनी ताकत बढ़ रही है, तो सहयोगी दल जो हैं वो एक किनारे हैं, जैसे शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, बहुत सारे ऐसे दल हैं। एक लंबी फहरिस्त, इस पर एक अलग से रिपोर्ट मैं आपके सामने रख सकता हूं कि कौन कौन से दल साथ में थे, NDA के बहुत महत्वपूर्ण दल, घटक दल माने जाते थे, अब छिटक गए हैं, अलग अलग हो गए हैं या धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। उदाहरण शिवसेना है, या शिरोमणि अकाली दल को भी आप पंजाब में देख सकते हैं कि क्या हुआ पिछले चुनाव में, आम आदमी पार्टी को कैसे बड़ी सफलता मिली। अब अगर फिर से UPA की संकल्पना होती है तो UPA जैसी कोई स्थिति बनेगी। UPA किसका प्रयास था? सोनिया गांधी उसके केंद्र में थी। सोनिया गांधी इस वक्त भी कई नेताओं से बातचीत कर रही हैं, इस तरह की खबरें आई थी, आपको मीडिया की खबरें याद होंगी कि सोनिया गांधी जो है एक्टिव हैं और वो ये विपक्षी एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, शर्त यही है, जो समस्या है कि राहुल गांधी जो है वो अब चेहरा होंगे, सोनिया गांधी नहीं। और उधर भी सोनिया गांधी बाहर से सारी चीज़ों को देख रही थी, मनमोहन सिंह सरकार का चेहरा थे।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन होगा केंद्र में, और यूपीए जैसी संकल्पना होगी तो कौन इसके केंद्र में पार्टी होगी। निश्चित तौर पर शरद पवार या नीतीश कुमार जैसे नेता ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस के बिना इसके बारे में नहीं सोचा जा सकता है। अब कांग्रेस सूत्रों का ये भी कहना है कि विपक्षी नेताओं की बैठक पहले अप्रैल के अंत में होने वाली थी, लेकिन 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण अब ये चुनाव के बाद होगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की मेजबानी करेंगे। वो इस संबंध में कई अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से पहले ही मुलाकात की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के विपक्षी दल के एक के बाद एक लगातार बैठ के कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा दूर दिखाई देते थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके बीच में भी कुछ बर्फ पिघली है। एक तरफ केजरीवाल राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई देते हैं या उनके सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं, तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी केजरीवाल को फोन करते हैं जब सीबीआई की पूछताछ उनसे होती है। तो यहाँ भी नज़दीकियाँ हो रही हैं, और कि कोई भी अछूत नहीं होता राजनीति में, कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। नीतीश कुमार ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने लालू यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके विपक्षी दलों को साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन सभी मुलाकातों के दौरान नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। आप याद रखिए कि जब यूपीए को बनाया गया था तो लालू प्रसाद यादव की भी उसमें बड़ी अहम भूमिका थी, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने सोनिया गांधी का बड़ा सपोर्ट किया था, और अभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मित्रता साथ ये किसी से छिपा नहीं है। लालू प्रसाद यादव बेशक आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी समझ, उनकी सलाह, इस पर सब लोग चलते हैं। तो क्या वो इसके सूत्रधार हो सकते हैं? एक बार फिर यूपीए जैसी कोई संकल्पना हो रही है, और ये कांग्रेस का और विपक्ष का यूपीए 3 का कोई मिशन देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण लगती है, आप भी ज़रूर बताएं कि यूपीए 3 जैसा कोई अगर मान लीजिए फॉर्मूला बनाया जाता है दोबारा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ पहले ही ये सारे दल एक साथ आते हैं, तो क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप ज़रूर दें, और आपको क्या लगता है कि इसके केंद्र में कौन हो सकता है? आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक स्वर में भाजपा के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कही। दोनों क्षेत्रीय नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिलकर तैयारी करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों का मिशन क्लियर है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि बीजेपी जीरो बन जाए। वो बहुत बड़े हीरो बन गए लेकिन देश में कुछ काम नहीं कर पाए। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। इसीलिए नीतीश जी सब लोगों से बात करेंगे, मैं भी बात कर रही हूं, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और आगे चलेंगे। इसमें कोई पर्सनल ईगो की बात नहीं है, हम लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, यही मैसेज है, हम लोगों का मिशन क्लियर है। ममता बनर्जी ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमार स्वामी के साथ पिछले महीने ही इसी तरह की बैठकें की थी। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि एक कैसे विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए जेडीयू और आरजेडी साथ काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अपनी ओर से अलग कोशिशें कर रही है। पहला पॉइंट, कांग्रेस दक्षिण को साधने में लगी हुई है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके की स्ट्रैटेजी बन रही है? दक्षिण भारत के राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में, अब इन दलों से बातचीत करके 2024 लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित महागठबंधन में शामिल होने के लिए इनको आमंत्रित किया जा रहा है। दक्षिण के साथ साथ वाम दलों को भी एक साथ लाने पर कांग्रेस काम कर रही है। 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शरद पवार, अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी। जेडीयू आरजेडी का फोकस उत्तर भारत पर है। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद उत्तर भारत के विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुटी हुई, खासतौर पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये तमाम दल जो हैं यहाँ पर ज्यादा ताकतवर दिखते हैं। नीतीश और तेजस्वी इनको इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं।
इसके अलावा अन्य छोटे दलों को भी साथ लाने के लिए दोनों नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं शरद पवार का नाम भी ऐड कर दूं कि महाविकास अघाड़ी को लेकर क्या होगा या उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड होगा, तो महाराष्ट्र के जो दल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद पवार ये साझा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी का भविष्य क्या रहता है इसको देखना होगा, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर एक गठबंधन की स्थिति दिखाई देती है। सत्ता में तो थी ही, अब सत्ता के बाहर कितनी रहती है चुनाव में पता लगेगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि अब तक किन किन नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। 12 अप्रैल को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसी के साथ नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि विपक्षी एकता बगैर कांग्रेस के संभव नहीं है। राहुल खड़गे से मिलने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दूसरी ओर खड़गे और राहुल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलकर बातचीत की। खड़गे ने अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से फोन पर बात की। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी ने सोमवार को पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले। आइए हम आपको बताते हैं फॉर्मूला कौन सा है जिसके सहारे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि नीतीश तेजस्वी संग खड़गे और राहुल की बैठक में विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब उसी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के अन्य दलों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर तब लगेगी जब एक साथ सारे विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे। भाजपा के खिलाफ वैचारिक एकजुटता पहला बिंदु। नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल से मुलाकात के दौरान यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय तो एक है, अलग अलग होते हैं। इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा। राहुल और खड़गे ने भी इस बात को स्वीकार किया। दूसरी बात, विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस करे। नीतीश ने इसका प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं से भी ये ना लगे कि किसी दल की उपेक्षा की जा रही है, सभी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। और यही सबसे बड़ा बिंदु है, ये पहला बिंदु है दरअसल। इस पर अगर बात बन जाएगी तो फिर यूपीए के एक जो मिशन यूपीए 3 हो सकता है उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव में सीट का बंटवारा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीतीश ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहाँ उसे लीड करने दिया जाए। मसलन बिहार में आरजेडी जेडीयू का प्रभाव है, ऐसे में यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएँ। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका भी कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों का मौका दिया जाए। इसी तरह यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो दो मुद्दे जिन पर विपक्ष की एक राय है। विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पहला मुद्दा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर केसीआर, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कई मामलों में ये लोग फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी दलों की राय एक है, सभी ने इसके खिलाफ सरकार पर हमला बोला है। दूसरा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार पर सांप्रदायिक होने के भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर भी विपक्ष सहमति बना सकता है। तो ये एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं कि यूपीए 3 का मिशन पूरा करने के लिए किस तरह एक फॉर्मूले पर विपक्ष आम सहमति बनाता दिख रहा है। विपक्षी एकता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मौका चल रहा है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के बाद केसीआर, ये तीन वो चेहरे हैं जो विपक्ष के चेहरे तो हैं लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई पड़ते थे। ये थे इसलिए है क्योंकि अब केजरीवाल और ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे राहुल गांधी के साथ सहानुभूति जता दी, उनके साथ में एक समर्थन भी जताया। हालांकि ये समर्थन क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिहाज से, विपक्षी एकता के लिहाज से भी सामने आएगा, इस पर अब भी सवाल बरकरार है। लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे का केजरीवाल को फ़ोन करना, तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं का राहुल के पक्ष में अपनी बातें कहना, ये इस ओर इशारा करता है कि विपक्षी एकजुटता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण समय है। केसीआर एक और चेहरा रहे जो कि इसी तरह से विपक्ष के चेहरे तो हैं, बीजेपी के खिलाफ है लेकिन कांग्रेस के साथ भी नहीं थे। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि केसीआर को कांग्रेस से परहेज नहीं है। हालांकि इसके लिए वो कुछ शर्तें भी रख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्षी एकता मजबूत होगी ये तय माना जाए, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेसी गठबंधन में आने को क्योंकि तेलंगाना के सीएम केसीआर का हामी भर देना या एक इशारा कर देना, ये भी अपने आप में बताता है कि विपक्षी खेमे में कुछ सुगबुगाहट चल रही है।
अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर खूब बैठकें हो रही हैं। हालांकि इन बैठकों से तेलंगाना के सीएम केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति अक्सर नदारद रही। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेसी गठबंधन के साथ तेलंगाना के सीएम भी आने को तैयार हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को तो तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को तृणमूल कांग्रेस ने भी पहले सामने रखा है। ममता बनर्जी तो पहले यहाँ तक कह चुकी थी कि राहुल गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए तुरुप का इक्का है। राहुल गांधी के चेहरे को लेकर विपक्ष में काफी असमंजस की स्थिति देखने को मिली। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात का सम्मान रखते हुए कि विपक्षी दल क्या चाहते हैं और वो चाहते हैं कि राहुल को चेहरे के तौर पर ना रखा जाए, बेशक वो कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा बने रहे और जहां जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्ष कांग्रेस को जिन जगहों पर सपोर्ट करता है और कांग्रेस विपक्ष को अलग अलग जगहों पर सपोर्ट करती है वहां राहुल गांधी के चेहरे को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए जाए। उदाहरण के लिए कांग्रेस का हमेशा से कहना रहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक अपने कार्यकर्ता रखती है और कई जगहों पर सरकारें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अगर महत्वपूर्ण राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जहां चुनाव यहां देखें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। फिर बीजेपी जहां पर बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ती, दक्षिण के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, यहां पर भी कांग्रेस अपनी थोड़ी बहुत ताकत रखती है और यहां के जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी कांग्रेस के साथ आने में बहुत मुश्किलात नहीं। आपने देखा स्टालिन का जिस तरह का अभी तक उनका रुख रहा है उससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी रणनीति में कांग्रेस के लिए मजबूत गढ़ हो सकते हैं। अब बात करिए उन क्षेत्रों की जहां पर क्षेत्रीय दल हावी हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये वो राज्य हैं, या दिल्ली और पंजाब को भी ले लीजिए जहां आम आदमी पार्टी भी अब एक बड़ी ताकत के तौर पर देखने को मिलती है। यहां कांग्रेस के साथ इन दलों के क्या समीकरण होंगे? या नीतीश कुमार जैसा सुझाते हैं कि जो जहां पर, और ये ममता बनर्जी का भी मानना है कि जो जहां पर मजबूत है वहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जीतने में मदद करनी चाहिए। अब उदाहरण ये लीजिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल खासतौर पर यहां पर कांग्रेस किस तरह से मदद करेगी क्षेत्रीय दलों की, और सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की क्या उपस्थिति रहेगी और क्या सामंजस्य बनता है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चेहरे की बात, ये बात सही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही चेहरे की बात हो पाएगी। हाँ, फिर भी लोगों के बीच में एक इंप्रेशन देना जरूरी है कि भाई नेतृत्व कौन कर रहा है। तो नीतीश कुमार बहुत तेजी से, बेशक उनकी अपनी पार्टी कमजोर हुई, उनके पास सांसद नहीं है, उनको लेकर कई तंज भी कसे जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता के लिए उनके जो प्रयास हैं उसके बाद में कहा जा रहा है कि वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। प्रियंका गांधी को जिस तेजी से कांग्रेस ने आगे किया उससे यह भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि चेहरा वो भी हो सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे को लेकर कुछ रिजर्वेशंस केसीआर के अब भी हैं। वो इस बात के समर्थन में नहीं है कि राहुल गांधी का चेहरा जो है वो विपक्ष का चेहरा बनकर सामने आए। उन्होंने ये शर्त भी रखी कि राहुल को आगे किए बिना विपक्षी मोर्चे पर वो सहमति दे सकते हैं, यानी केसीआर का रुख ये आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बीआरएस के शीर्ष सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के विचार को छिपाना नहीं चाहती है। हालांकि इस विपक्षी गठबंधन के चेहरे के रूप में राहुल गांधी के बारे में उनकी आपत्ति अब भी है। केसीआर के नेतृत्व वाली पार्टी से जुटे नेताओं का कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय दलों पर अधिक दबाव डाला है जिसके चलते बीआरएस अपना रुख बदलने पर विचार कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और भाजपा ने क्षेत्रीय दलों को जांच के नाम पर घेरा है उसके मद्देनजर बीआरएस के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। केसीआर और उनकी बेटी जो है वो खुद भी इस मामले में एक तरीके से एक पार्टी बने हुए हैं, वो भी विपक्षी दलों की इस मांग के साथ में है कि कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि केसीआर की बेटी और पूर्व सांसद के कविता दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की जांच का सामना कर रही हैं। जब से पार्टी ने अपना नाम बदलकर बीआरएस रखा है तब से ये महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में रैलियां और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लेकिन साथ ही घरेलू मैदान पर यानी तेलंगाना में कांग्रेस के साथ उनकी तीखी टक्कर भी है, ये भी सबके सामने स्पष्ट है। बीआरएस के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि कांग्रेस अपनी कमजोर राष्ट्रीय ताकत का एहसास करे और चुनाव के पूर्व गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत करे। केसीआर के करीबी एक पार्टी नेता ये भी कहते हैं कि हम बस इतना कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां मजबूत है उसे वहां अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जहां अन्य क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस को रास्ता बनाना चाहिए विपक्षी गठबंधन के काम करने और अंततः प्रभावी होने का, यही एकमात्र तरीका है।
ये वाजिब भी लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीआरएस के एक नेता ने यह भी कहा है कि पार्टी 2024 के लिए नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के नैरेटिव को लेकर सहज नहीं है। 2019 में इसका परीक्षण किया गया था। विपक्ष के भीतर ऐसे लोग हैं जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने प्रशासन का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। राहुल गांधी ने क्या हासिल किया है? वो अपनी पार्टी के आधिकारिक नेता भी नहीं है, ना ही उनमें खुद को पीएम कैंडिडेट घोषित करने की हिम्मत है। ये अभी केसीआर का या उनकी पार्टी बीआरएस का स्टैंड है। आपको बता दें कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एका बनाने में जुटे नीतीश कुमार ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। नीतीश से मिलने के बाद अखिलेश और ममता का रुख नरम हुआ है और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए हर कोशिश का समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जिस तरह नीतीश के साथ आने को तैयार हुए हैं, उससे सियासी अटकलें गर्म हो गई हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक और फिर आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में, उससे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि राहुल गांधी का चेहरा या कांग्रेस की दावेदारी कितनी मजबूत होती है इस विपक्षी एकजुटता के केंद्र में रहने में या चेहरा बनने में। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है, राज्य की सत्ता पर काबिज है। वहीं समाजवादी पार्टी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बंगाल और यूपी में इन्हीं दोनों पार्टियों का बीजेपी से सीधा मुकाबला है, तो वहीं तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस मजबूत स्थिति में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर समेत ऐसे कई विपक्षी नेता हैं जो 2022 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आने को तो तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं। अब ममता और अखिलेश के बाद गठबंधन को लेकर केसीआर ने भी रुख नरम किए हैं। केसीआर ने कहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, इसलिए राहुल गांधी के चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इसमें कुछ कदम आगे बढ़ती है, क्या इस मांग को माना जाएगा, या फिर अभी इंतजार किया जाएगा कि कर्नाटक के नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे क्या आते हैं। और इस सब पे टिका हुआ है भविष्य इस बात का कि 2024 में किस तरीके से विपक्षी एकता होगी और किस तरह का मुकाबला बीजेपी बनाम बाकी के दलों का रहने वाला है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।